एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो चलिए आप सबसे पहले इस चित्र पे देखिए और ध्यान दीजिए और एक बार इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। किसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जो फिगर में है आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में है वो क्या लिखा गया है, थोड़ा देखिए उसको, ठीक है, भाजक है। तो बीच वाले भाग जो है उसमें क्या लिखा गया, भाज्य है ना, और लास्ट में राइट साइड में लिखा गया है उसे क्या पढ़ेंगे, भागफल। क्या पढ़ेंगे, भागफल। और इसके नीचे जो लिखा गया है इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो चलिए ये विस्तार से वन बाय वन करके समझ लेते हैं। भाज्य को सूचित करते हैं पीएक्स से, किस चीज से, पीएक्स से। भाजक जो बोलते हैं, भाजक को बोलते हैं जीएक्स, ठीक है, और यहां भागफल को सूचित करते हैं क्यू एक्स से, ठीक है, और शेषफल को सूचित करते हैं आर एक्स से। पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसका थ्योरम पढ़ना चाहिए, जब तक थ्योरम नहीं पढ़िएगा ना तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, थोड़ा डाउट ही रह जाएगा उसमें, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट रह जाए। विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, आपको क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत आसानी से सोल्यूशन किया जाएगा। क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्यूशन करेंगे, काफी आसान है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। लिखा गया है बहुपद पी एक्स कोमा जी एक्स कोमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा क्वेश्चन नंबर में दिया गया है एक घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दो क्वेश्चन बचेगा, फिर उसको भी सोल्यूशन कर लेंगे। भाज यानी पी एक्स, इसका मान एक रख लीजिए 4x^4, ठीक है, और यहां पे आप लिख लीजिए भाजक, भाजक यानी इसका क्या लिखिएगा जी एक्स, इसका कुछ रखिए 4। अब उदाहरण कुछ दीजिए जो इसका घात बराबर हो, अब इसके पी एक्स को जी एक्स से भाग कीजिए 4x^4 और डिवाइड कीजिएगा जी एक्स से 4। अब ये 4x^4 को डिवाइड करने के लिए 4 से कीजिएगा, कितना से किया जाएगी 4x^4 आ जाए, बोलिए तो x^4 से करेंगे, यहां 4 को मल्टीप्लाई कीजिए x^4 में, तो कितना हो जाएगा 4x^4 आ जाएगा कि नहीं। अब यहां पे दिखा दीजिए माइनस, अब ये तो कट गया, ये भी कट गया, हो गया। अब यहां शेषफल बोलिए कितना बच गया, 0 हो गई। और इसमें अब दिखा दीजिए कि पी एक्स जी एक्स के बराबर है कि नहीं, वो भी घात के बारे में दिखाना है, घात तो थोड़ा दिखा दे रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे घात 4 भी है और यहाँ पे भी 4 है, तो इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला है विभाजन एल्गोरिथम से, मैं दिखा देता हूं। ये फॉर्मूला होता है भाजक, जो विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो एक एक करके लिखिए, यहाँ पे देखिए, यहां पहले भाज्य, भाज्य कौन है, ये 4x^4, ठीक है, इक्वल टू इसके बाद क्या है भाजक, तो भाजक कौन है 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए इसके बाद भागफल, भागफल क्या है x^4, अब प्लस देखिए यहां पे शेषफल, शेषफल 0, अब देखिए 4x^4 इक्वल टू ये 4 को x^4 में कीजिएगा तो 4x^4, ये 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x^ देखिए तो कितना है 4, और x^ यहाँ पे भी कितना है 4, तो ये आपका क्या है घात px, px भी जो देखिए ये घात, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये बराबर है कि नहीं है, है, तो इसीलिए कहा जाता है घात qx बराबर है, ठीक है, आपका आंसर यही हो गया। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, काफी आसान, टुकुर टुकुर आप लोग उतारते हैं क्या, पेन खूब गजब चलाते हैं, काफी जबरदस्त लगते हैं, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए दो नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन किया, पहले देखिए घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स दिया गया, ये क्यू एक्स आर एक्स के बराबर होना चाहिए, वो भी घात, घात की बात हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले माना की लिख लीजिए, माना की इसको लिख लेते हैं पी एक्स, पी एक्स का कोई वैल्यू रखिए,
कोई भी अपना से लीजिए और ऐसा वैल्यू रखा जाए जो क्यू एक्स आर एक्स के बराबर आना चाहिए, वो भी घात की बात हो रहा है, घात बराबर आना चाहिए। इसलिए तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स के पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और फिर जी एक्स लेना होगा जिससे भाग करना है, जी एक्स, जी एक्स को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, हो गया। अब पी एक्स को जी एक्स से भाग कर दे रहे हैं, लिख लीजिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जी एक्स से भाग कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू है, कितना से गुना किया जाए इसको कि एक्स क्यू हो जाए, एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यू हो जाएगा, फिर माइनस वन इसी में गुना करना है तो माइनस वन को एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे सिंबल चेंज कीजिए, माइनस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स के पावर थ्री, एक्स के पावर थ्री कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा वन एक्स और वन एक्स टू एक्स हो जाएगा प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस वन से गुना किया जाए तो इतना ही रह जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन को प्लस वन में गुना कर देंगे तो माइनस वन हो जाएगा माइनस प्लस, ये तो कट गया टू एक्स, ये प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम से ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब इसी पर मान रख दीजिए इसका भाज्य, भाज्य देखिए यहां दिया गया है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू भाजक एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर गुना भागफल, भागफल एक्स प्लस वन प्लस शेषफल, शेषफल कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, इसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स में गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन को गुना करेंगे एक्स में तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वन को प्लस वन में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस टू। इसको ऐसे ही लेकर चलिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स है और यहां टू एक्स, यानी टू एक्स में से एक एक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ एक्स बच जाएगा माइनस वन और प्लस टू, यानी टू में से वन को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। ओके देखिए यहां पे इसका घात देखिए एक्स का घात थ्री तो एक्स का भी घात थ्री है, फिर यहां देखिए एक्स के घात भी दो है, यहां एक्स के घात भी दो है, यहां पे एक्स के घात वन है तो यहां पे भी एक्स के घात वन है, यानी सब एक दूसरे का क्या है बराबर है, तो इसलिए लिख सकते हैं घात क्यू एक्स इज इक्वल टू घात आर एक्स के बराबर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तीन नंबर क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है तो तीन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो सबसे पहले लिख लीजिए माना कि px के वैल्यू कुछ मानिए, इसमें कुछ ऐसे वैल्यू मानिए x क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, फिर gx भी कोई वैल्यू मानिए, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वन ही रहने देते हैं।
अब px को gx से भाग कर दीजिए, तो भाग कीजिए x स्क्वायर माइनस वन x क्यू प्लस टू x स्क्वायर माइनस x प्लस टू। x स्क्वायर यहां x क्यू है, x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यू, फिर माइनस वन को x में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x, या माइनस लिखिए यहां प्लस, आप लोग भी गोल मत घेरिएगा, समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, कटा दीजिए जो बच गया उसको लिखिए पहले 2x स्क्वायर, फिर यहां देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये तो कट जाएगा, अब कितना बच गया 2, बस यही हो गया प्लस में। अब देखिए x स्क्वायर है यहां 2x स्क्वायर है, सिर्फ यहां पे 2 से गुना कर दीजिएगा 2 से, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ना x स्क्वायर को 2 में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस 1 2 में भी तो माइनस 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो कट जाएगा और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 बस। अब देखिए इसमें जो rx बराबर 0 होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये 4 को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे 4 जो है ना, तो सबसे पहले x का पावर 0 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, x के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, यहां पे देखिए यही रख दीजिए x के पावर 0, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई x के पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, देख लीजिएगा यहां 1 होता है तो 4 यही तो है, और देखिए x के पावर 0 है कि नहीं है, बस यही दिखाना था, तो लिख दीजिए यहां पे rx इक्वल टू 0, बस हो गया आंसर, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, देख लीजिए, चलिए उतारिए क्वेश्चन को, उतार लीजिए पहले, खूब टुकड़े टुकड़े उतारते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है, चलिए नोट कीजिए।